फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यखनी पुलाव की रेसिपी। मटन का यखनी पुलाव है, बहुत ही कमाल की रेसिपी है, आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी का शुरुआत करते हैं। जी, तो यखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम चावलों की यखनी तैयार करेंगे। मटन मैंने धोकर प्रेशर कुकर में डाल दिया है, साथ में मैंने लहसुन का पूरा एक पीस डाल दिया वॉश करके छीले बगैर। साबुत गरम मसाला डाला है, 2 चम्मच नमक डाला है और 1 प्याज छोटे साइज़ का, और साथ में जो है 1-1 इंच के मैंने अदरक के 2 पीस जो है ना वो भी छील कर ऐड कर दिए। बस इसी तरह से हम इसको पानी डाल देंगे अपनी क्वांटिटी के हिसाब से जितने हमें चावलों के लिए चाहिए। तो मैंने इसको तकरीबन कोई 3 गिलास पानी डाल के प्रेशर कुकर लगा दिया था। चावल भी मैंने साथ भिगो कर रख दिए। जी, तो तकरीबन 15 मिनट के अंदर मेरा गोश्त जो है वो गल चुका था। समटाइम गोश्त जो है वो ज़्यादा टाइम भी ले लेता है, 17 मिनट भी ले लेता है, डिपेंड करता है कि आपका गोश्त जो है अगर छोटे बकरे का है तो वो बहुत जल्दी गल जाएगा। तो बेहतर है कि आप जो है ना 12-13 मिनट के बाद या 14 मिनट के बाद अपने प्रेशर कुकर को खोल के एक दफ़ा गोश्त को देख लें अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरा खैर 15 मिनट में बहुत अच्छा गल चुका था। अब मैं जो है स्ट्रेनर की मदद से गोश्त को अलग कर लूँगी और यखनी को जो है वो अलग कर लूँगी। जी, तो अब मैं चावलों का तड़का तैयार कर रही हूँ। मैंने 1 अदद प्याज जो है वो काट के उसको अच्छे से डार्क ब्राउन कर लिया। उसके बाद जो है अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच इसके अंदर ऐड किया। थोड़ा सा भून के साथ ही हम 2 अदद टमाटर इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, ये रेसिपी जो है ना तकरीबन 1/2 किलो चावलों की मैं दे रही हूँ, उस हिसाब से मेरे सारे स्पाइसेस हैं। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से अपने स्पाइसेस जो है हसबे ज़ायका ऐड कर सकते हैं। स्पाइसेस में मैंने नमक जो है वो अपना 3 चम्मच मज़ीद ऐड किया, 2 चम्मच मैंने पहले यखनी में डाल दिया था। सूखा धनिया पिसा हुआ थोड़ा सा डाला है, गरम मसाला पिसा हुआ थोड़ा डाला है, और इसके साथ जो है मैंने लाल मिर्च कुटी हुई डाली है और काली मिर्च का इस्तेमाल किया। काली मिर्च का पुलाव जो है बहुत मज़ेदार बनता है। आप काली मिर्च डाल लें या आप जो है वो पीस कर जो है हरी मिर्चें जो है ना उनको भी डाल सकते हैं। अच्छा, जब भी आप गोश्त जो है ना मटन हो या बीफ हो उसका आप सालन बना रहे हो या पुलाव बना रहे हो तो उसमें दही का इस्तेमाल करने से फ़ायदा ये होता है कि एक वो उसका जो ग्रेवी है बहुत अच्छा सा बन जाता है और दूसरा जो गोश्त की एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है। जी, हमारा जो है मसाला बहुत अच्छा भुन चुका था। अब इसको जो है यखनी डाल के उबाल आने के लिए रख देते हैं, फिर इसके अंदर चावल हम ऐड कर देंगे। ये तो लाइट आजकल इतना ज़्यादा जाना शुरू हो गई है ना, अभी मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तब भी लाइट चली गई थी, लेकिन किचन का एक बड़ा बल्ब जो है ना मैंने UPS पे चूंकि करवाया हुआ है तो खैर बिल्कुल अंधेरा नहीं हुआ था, लेकिन वीडियो इतनी ज़्यादा जो है वो विजिबल नहीं आ रही होगी आपको नज़र, लेकिन आगे जा कर थोड़ी देर बाद लाइट आ जाएगी। 2-4 दिन से तो बहुत ही ज़्यादा लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई है। एनीवेज़, लाइट जो है ना बड़ी ही अनसर्टेन सी हुई आज कल, कभी भी भेज देते हैं कोई पता नहीं चलता है, सारे काम डिस्टर्ब हो जाते हैं। यहाँ पे ना मैं पुदीना बाहर से तोड़कर लाई हूँ गार्डन से, और इसकी मैं बनाऊँगी चटनी धनिया की और पुदीने की मिक्स करके। चावलों का पानी तकरीबन जो है वो खुश हो चला है, अब इसको मैं दम लगा दूँगी। तो खाना मेरा हो गया था तैयार, मैंने थोड़ा सा खा भी लिया है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा पुलाव यखनी पुलाव बना था और गोश्त भी इतना अच्छा गला हुआ था, लेकिन एक छोटी सी जो है ना बीच में कसर थी कि चावल चूंकि मेरे नए थे ना तो सीज़न स्टार्ट हो गया चावलों का, तो चावल हमने नए ले लिया, अब आहिस्ता आहिस्ता पुराने होते जाएंगे और ज़्यादा पकने में अच्छे हो जाएंगे। लेकिन शुरू में जब हम चावल पकाते हैं ना नए तो फिर उनके अंदर बीज थोड़ी ज़्यादा होती है, तो आपस में थोड़े थोड़े जुड़े जुड़े से महसूस होते हैं।
बस वो थी, और क्योंकि मैंने यखनी भी इसमें थोड़ी ज़्यादा डाली थी तो बने बहुत ही मज़ेदार हैं, लेकिन थोड़े से जुड़े हुए महसूस हो रहे थे। ओवरऑल वेरी गुड पुलाव, आदमी भी खुश होकर खा लिया। अब बस मैं चाय रखती है, थोड़ी सी चाय बनाती है, कहवा तैयार होता है तो उसके बाद चाय शाय पीते हैं। कि चावल खाने के बाद जो है ना वो थोड़ी सी चाय मेरे ख्याल में पी लेनी चाहिए, चाय नहीं तो आप ग्रीन टी थोड़ी सी लाजमी पिए। अच्छा, सुबह की और जो दोपहर की चाय होती है ना वो मैं लाजमी पीती हूँ, सुबह के नाश्ते की तो बिल्कुल भी मैं स्किप नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा ब्रेकफास्ट जो है उसके बगैर कंप्लीट नहीं होता। और अगर कभी ऐसा हो कि मैं दोपहर के वक्त चाय ना पीऊँ खाने के बाद, तो मुझे इतनी ज़्यादा नींद आना शुरू हो जाती है ना, सुस्ती पड़ जाती है, तो शायद ये है कि हैबिट सी हमारी बन जाती है। तो बहरहाल ख़ुद को जो है वो चाको चुबंद रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए कुछ लोग कॉफ़ी पी लेते हैं, मैं लेकिन चाय पी लेती हूँ। तो आजकल कॉफ़ी का भी इस्तेमाल जो है वो चल रहा है, कभी कभी दिल बीच में करता है तो 12-1 बजे कॉफ़ी भी पी लेती हूँ मैं। तो बहरहाल यहाँ पे ना मैं आपको नेक्स्ट रेसिपी जो है ना दे रही हूँ, ये मैं चिकन जो है ना इसको तिक्का मसाला लगा के जो है ना इसको मैरिनेट करूँगी, और इसको पहले मैं स्टीम करूँगी, और उसके बाद जो है इसको ना मैं स्टीम थोड़ा सा करके उसके बाद एयर फ्राई के अंदर जो है ना इसको फ्राई कर लूँगी। अभी सिर्फ मैं इसको मैरिनेशन का तरीका आपको बता देती हूँ। मैंने जो है लेग्स जो थी ना उसकी टिक्का कटिंग करवा ली थी, चिकन की जो लेग्स थी उसकी टिक्का कटिंग हो गई थी और छोटी छोटी बोटी में, और उसके ऊपर मैंने जो है टिक्का मसाला 3 चम्मच डाला, अदरक लहसुन 2 चम्मच डाला है, लाल मिर्च पाउडर मैंने 1.5 चम्मच डाल दिया था, और इसके अलावा कूटी हुई लाल मिर्च डाली है, ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच, सूखा धनिया 2 चम्मच मैंने ऐड किए, और इन सबको जो है मैं अच्छी तरह डाल के मिक्स कर लूँगी। एक इन्ग्रीडियंट जो है अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं था, वो दही था, तो दही जो है फिर मैं कुछ देर बाद मंगवा के वो भी बाद में ऐड कर दूँगी, वीडियो के अंदर मैंने जो है वो नहीं दिखाया। तो इस तरह से जो है वो हम टिक्का फ्लेवर में अगर चिकन बनाना हो तो इसको जो है अच्छी तरह से मैरिनेट करके रख सकती हैं। चिकनाई के लिए मैंने जो है ना बटर लेकर जो है ना उसके 2 क्यूब्स काट के वो डाल दिए थे, आप चाहे वो डाल दें या घी थोड़ा सा डाल दें, तो उससे जो है वो बहुत अच्छे से मैरिनेशन जो है वो हो जाती है हमारी। यहाँ पे ना मैं बना रही हूँ, नेक्स्ट डे स्टार्ट चूँकि हो गया, तो आज मैं बना रही थी अंडे कोफ्ते। कोफ्ते जो है ना मैंने जो लास्ट टाइम बनाए थे थोड़े से बचे हुए थे, मैं सोच रही थी कि मैं उनको ख़त्म कर दूँ, तो बस जो है ना वो उसी का मैं ग्रेवी तैयार कर रही हूँ। ग्रेवी मैंने बनाने के लिए ना सबसे पहले टमाटर और प्याज लेके उसको जो है ना मैंने ब्लेंडर में डाल के ना प्यूरी से बना के, तो वो मैंने घी के अंदर डाली थी, उसके अंदर ही मैंने सारे नमक मिर्च वो भी स्पाइसेस थे ऐड कर दिए, साथ ही अंडे मैंने उबलने छोड़ दिए। जैसे ही मसाला मेरा अच्छी तरह से भून गया तो उसके अंदर आप कोफ्ते डाल के भुनाई करेंगे और फिर हम पानी डाल के अपनी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। अभी हादी भी आया था मेरे पास पूछने के लिए कि मामा आज क्या बना रही, मैंने उसे बताया अंडे कोफ्ते, तो उसको समझ कोई नहीं आई, अभी ज़्यादा चीज़ों का पता नहीं है ना सब्ज़ी का उसको ज़्यादा पता है, बस पूछता ज़रूर है आके डेली जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ, आके पूछेगा मामा आज आप क्या बना रही हैं, तो एक दो चीज़ों का ही उसको पता है कि मुझे मेरी फेवरेट है, एक चिकन कढ़ाई का पता है, एक जो है वो पुलाव चिकन पुलाव का, तो बस बाकी सब्ज़ियों के नाम पूछ लेता है लेकिन समझ नहीं आती, कहता है हाँ ठीक है बनाओ मामा ओके। लेकिन अच्छा, इसका जो है ना स्कूल जो है वो 4 जनवरी से कंटिन्यू होना था, लेकिन जो है ना नोटिफिकेशन आ गई है कि अभी जो है ना 1 वीक की मज़ीद उन्होंने छुट्टियां दे दी थी, तो बस इसकी जो है ना खुशी का कोई ठिकाना नहीं था जब इसे पता चला कि मुझे 1 वीक मोर हॉलीडेज़ हो गई हैं, तो ही वॉज़ वेरी एक्साइटेड टू हेयर दिस। अच्छा, यहाँ पे ना फ़िश भी मेरे पास जो अब बची हुई थी ना, मैंने सोचा कि इसको भी मैं आज ना ख़त्म कर दूँ, बस आज जो जितनी भी फ्रीज़र में चीज़ें पड़ी हुई थी ना मैं उसको ख़त्म करना चाह रही थी कि एक आध दिन में सारी बना कर ना इनको फिनिश करूँ, ताकि फिर मैं नए सिरे से ना फ्रेश स्टॉक बना के जो है ना मैं रख सकूँ। तो यहाँ पर मछली जो थी ना कांटे वाली, ये मैरिनेट हुई थी, इसको मैं एयर फ्राई के अंदर मैंने लगा दिया है 20 मिनट के लिए, 10 मिनट के बाद मैं इसकी साइड जो है ना वो टर्न कर दूँगी। यहाँ पर कोफ्तों की ग्रेवी भी तैयार हो रही है। अच्छा, लाहौर में आजकल ना काफ़ी ज़्यादा ठंड भी पड़ रही है, और जो है ना ठंड के साथ जो है ना बहुत ज़्यादा फॉग भी गिर रही है, तो मौसम लेकिन ओवरऑल बहुत ही मज़े का है, बहुत ही प्यारा सा है, क्योंकि गर्मी हमारे जो है वो मुल्क में ज़्यादा होती है, तो सर्दी आती थोड़ी देर के लिए लेकिन लगती बहुत अच्छी है, कोज़ी कोज़ी सा ठंडा ठंडा सारा कुछ है वो। चलें आप सर्दी को तो बेयर कर लेते हैं स्वेटर्स पहन के, जर्सी वर्सी पहन के, लेकिन गर्मी का जो होता है ना मन मेरे ख्याल में वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा हो जाता है, कि आप गर्मी के अंदर उस तरह से लाइफ एंजॉय नहीं कर पाते, उस तरह से खाने को एंजॉय नहीं कर पाते जिस तरह से आप सर्दी के अंदर चीज़ों को जो है वो भरपूर तरीके से जो है ना वो लुफ्फ़ अंदोज़ हो रहे होते हैं।
पराठे खा सकते हैं, मज़े मज़े के सालन बनाकर खा सकते हैं, मज़े मज़े के जूसेस इंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि आजकल सिट्रस आया हुआ है, तो मैं भी अभी अपने लिए जो है वो बना रही थी ऑरेंज का जूस, तो यहाँ पे सिट्रस प्रेस पे मैंने जो है ना इसको प्रेस करके निकाल लिए। कभी कभी मैं इसका जो है वो जूसर के अंदर दूसरा जो है मशीन में छील के इसको वैसे प्रेस करके निकाल लेती हूँ, कभी मैं सिट्रस के ऊपर निकाल लेती हूँ। ये देखें मेरी जो है ना ज़बरदस्त सी फ़िश यहाँ पर तैयार हो चुकी है, और ये इतनी मज़े की, इतनी क्रिस्पी इसके अंदर फ्राई होती है ना। एयर फ्रायर जो है ना फ़िश के लिहाज से और चिकन के लिहाज से बेस्ट है। तो अभी जो है ना नेक्स्ट मैं आपको ना चिकन भी इसके अंदर फ्राई करके दिखाऊंगी, उसका रिज़ल्ट तो बहुत ही कमाल का बनता है। तो मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है हेल्दी वे में, अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो ऑयली चीज़ों से अपनी जान छुड़वाना चाहते हैं, खानों को सही तरह से लुफानंदोज़ होकर खाना चाहते हैं, तो एयर फ्राई के अंदर जो है ना वो बेस्ट ऑप्शन है कि आप अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लें और बहुत ही क्रिस्पी सा खाने को कर देता है। अगर वैसे सिंपल ओवन में आप इसको फ्राई करें ना तो चीज़ सॉफ्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे अगर इसके अंदर फ्राई करें तो वो क्रिस्पी हो जाती है। और यहाँ पे जो है ना मैंने जैसे कि आपको बताया मैं पिछला स्टॉक सारा ख़त्म कर रही हूँ, तो आज मैंने ढेर सारी चीज़ें कोई बना दी थी, जैसे कोई दावत की तैयारी हो रही हो, तो यहाँ पे ना सीख कबाब का ये जो स्टफ़ था ना ये भी ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ था, बस कीमा पड़ा हुआ था, इसको मैंने कबाब इसके शेप अप किए और इनको मैं अब ग्रिल करके जो है ना थोड़ा सोयल डाल के फ्राई कर रही हूँ। जी आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, सारी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी, तो दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिल सकें। तो अब मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, मुलाकात होती नेक्स्ट वीडियो में। ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।